करेंगे कि गुलाब जल जो है उससे कैसे हम चिकित्सा के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स के लिए, और मैं इसके बहुत सारे आपको उपयोग भी बताऊंगी। आप पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। और सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि स्किन के लिए मैं इसके कुछ आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगी। आप अपनी स्किन पे पहले ये फॉर्मूले जो है टेस्ट करके देख लीजिए, कहीं आपको एलर्जी हो तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ ना करें, क्योंकि कुछ लोगों को एक तो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनसे एलर्जी हो जाती है। तो ये बात कर लेते हैं कि गुलाब जल हमारे लिए कैसे उपयोगी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्किन में किस तरह से ये हमारे काम आता है। तो सबसे पहला मैं आपको एक यूज़ बता देती हूँ इसका कि करना क्या है हमें। हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हमें लेना है 6 चम्मच गुलाब जल और 3 चम्मच संतरे का जूस। 3 चम्मच संतरे का जूस और 6 चम्मच गुलाब जल को आप मिक्स कर लीजिए और अपनी स्किन पर अप्लाई कर लीजिए। हल्का सा मसाज करके 5 मिनट तक छोड़ दीजिए और फिर गुनगुने पानी से वॉश कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन में जो है बहुत ज़्यादा चमक आ गई है और आपकी स्किन जो है बहुत सुंदर होने लगी है। ये तरीका अगर आप समय मिलता है तो प्रतिदिन भी यूज़ कर सकते हैं और 3 दिन में एक बार भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, मैं जो गुलाब जल का उपयोग आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत पुराना नुस्खा है फ्रेंड्स, और हमारी दादी नानी माँ जो है हमेशा यूज़ करती रहती थी। आप भी इसे यूज़ कीजिए और इसका देखिए फर्क और फ़ायदा देख लीजिए। तो इसमें हमें क्या लेना है, देखिए 2 चम्मच पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी लेनी है। 2 चम्मच पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी में हमें 7-8 चम्मच गुलाब जल के मिक्स करने हैं, जितना कि वो एब्जॉर्ब हो जाए उसमें पूरा गुलाब जल, और उसे फेंट करके आपको एक स्मूथ एंड अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेना है। ध्यान रहे कि इसमें गांठे ना पड़े। दूसरी तरफ हमें 1 चम्मच कच्चे दूध में 10-15 धागे केसर के मिला करके रखने हैं। वो जब डिजॉल्व हो जाएंगे 15-20 मिनट में, तब फिर ये दोनों चीज़ें मिक्स करनी हैं, यानी कि जो हमने गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी भिगोए थे वो, और ये केसर जो मिल्क में भिगोया था, ये दोनों चीज़ें लेकर के हमें एक और सबका मिला करके फाइन पेस्ट बनाना है। फाइन पेस्ट बनाने के बाद आपको 5 मिनट तक इसकी चेहरे पे लगा के रखना है और 10-15 मिनट सूखने पर इसे वॉश कर देना है। 10-15 मिनट बाद जब यह सूख जाएगा तो आप इसे रगड़ कर नहीं उतारें, ना ही इसके दौरान आप बातचीत करें, अदरवाइज आपके फेस पर झुर्री आने का डर रहता है। ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सुंदर और शाइनी बना सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, लास्ट में मैं आपको एक इनटेक करने की विधि बताऊंगी कि गुलाब जल को लेने से यानी इनटेक करने से हमें कैसे सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं मेरे नेक्स्ट और वीडियो जो आएंगे उसमें इसका बालों के लिए आपको उपयोग बताऊंगी, बालों के लिए भी बहुत उपयोगी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्किन की, तो आज स्किन की ही बात करेंगे। आप गुलाब जल फ्रेंड घर पर भी बना सकते हैं, वो भी मैं एक वीडियो जो है आपको दिखा दूँगी बना के ये कैसे बनाते हैं। इससे आपको बिल्कुल शुद्ध गुलाब जल मिल जाएगा, वो मैं तरीका आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि एक गुलाब जल का कैसे हम प्रयोग करें, उसके बाद अब मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ कि गुलाब जल को हम किस तरह से अपनी त्वचा के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी त्वचा यदि तैलीय है यानी ऑयली स्किन यदि है, तो आप गुलाब जल में नींबू मिला करके यूज़ कर सकते हैं। और ये कैसे करना मैं बता देती हूँ आपको। आप गुलाब जल लीजिए 2 चम्मच और नींबू का रस लीजिए 1 चम्मच। इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन मिला करके अपने फेस पर अप्लाई कर दीजिए और सूखने पर वॉश कर लीजिए, या तुरंत भी आप वॉश कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपकी आँखों के काले घेरे हैं, यदि आपकी आँखों के चारों तरफ काले घेरे हैं, तो एक कॉटन बॉल में गुलाब जल डाल करके और इसे अपनी आंखों पर 15 मिनट तक रख लीजिए, और आपकी त्वचा जो है आंखों के आसपास की स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके काले घेरे जो हैं वो भी मिट जाएंगे। उसके बाद मैं गुलाब जल का आपको एक तरीका और बता देती हूँ। गुलाब जल में आप मिक्स करेंगे मिल्क, कच्चा मिल्क हमें मिक्स करना है, और ग्लिसरीन। ये तीनों चीज़ें कितनी कितनी लेनी है,
ये मैं आपको बता देती हूँ, गुलाब जल जब 2 चम्मच लेंगे तो 1 चम्मच कच्चा दूध लेना है और 1 चम्मच घी सीन लेंगे, यानी कि दोनों का आधा आधा भाग लेना है। इसे स्किन पर अप्लाई करके और फिर 10-15 मिनट बाद वॉश कर देना है। आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा अगर बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये घरेलू तरीका है, आसानी से सब सामान आपके घर पर ही उपलब्ध हो जाता है। इसके मैंने मोस्टली कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे हैं, फिर फेयर भी हो सकता है कि कुछ सेंसिटिव स्किन्स जो है उन पे इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आप पहले हाथ की स्किन पे टेस्ट कर लीजिए फॉर्मूला, उसके बाद जो है आप अपने फेस की स्किन पे अप्लाई कीजिए और देखिए कि आपका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर अच्छा रिजल्ट आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो एक करेंगे, क्योंकि लाइक करने से ही हमें पता चलता है कि हमें किस तरह के वीडियोस और बनाने हैं। आपको वीडियो पसंद आया है और या नहीं आया है, नहीं भी आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि वीडियो में क्या कमी है, सो हम ठीक करके अगली बार आपको अच्छा वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मूला पसंद आया है तो आप इस तरह के फॉर्मूले को शेयर भी कीजिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें गुलाब जल लेना है जिससे हमारा रंग जो है साफ़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, आपको लेना है 2 चम्मच बड़े गुलाब जल के सुबह सुबह प्रातः जब आप उठते हैं, और हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें गुलाब जल मिक्स कर दीजिए। गुलाब जल मिक्स करने के बाद आप इसे पी लें, हल्के गुनगुने पानी में जो मिक्स किया हमने गुलाब जल, आप इसे इंटेक कर लें तो आपका रंग जो है 3-4 महीने के अंदर कुदरती रूप से बिल्कुल निखरा हुआ आप देखेंगे कि बिल्कुल निखार जो है इसमें आ जाता है। मैं गुलाब जल के आपको अपने और वीडियोस भी दिखाती रहूँगी फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको नीम का और पीच का वीडियो दूंगी, आप उसके लिए अपना सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले सारा ज्ञान मिल जाएगा ब्यूटी का, कि सुंदर होने के क्या हमारे तरीके हैं। मैं आपको प्रतिदिन नए से नए नुस्खे जो है उपलब्ध कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग फ्रेंड्स। थैंक यू अगेन, विजिट अगेन।